नमस्कार, मैं वैदेही चौहान वीकेबी न्यूज के प्राइम टाइम में आपका स्वागत करती हूं। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। कोरबा से नागपुर के इतवारी आ रही ट्रेन का हुआ हादसा, दो कोच हुए बेपटरी। और राज ठाकरे ने किया नुपुर शर्मा का समर्थन, जाकिर नाइक के हवाले से कही ये बात। और अब खबरें विस्तार से। आज कोरबा से नागपुर के इतवारी आ रही ट्रेन का हादसा होने की घटना घटी। ये हादसा यार्ड और प्लेटफॉर्म के बीच हुआ। गति धीमी होने से कोई हताहत की सूचना नहीं मिली है, ऐसी जानकारी रेलवे के अधिकारियों ने दी है। बजाज नगर पुलिस थाना अंतर्गत वादी की शिकायत के अनुसार उनकी कंपनी के नाम पर आरोपी बनावट वेबसाइट के जरिए कुछ प्रोडक्ट्स बेच रहा था। इस मामले में पुलिस ने जांच कर आरोपियों का पता लगाया, जो कि दिल्ली के रहने वाले हैं। बजाज नगर पुलिस द्वारा इन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और आगे की जांच की जा रही है। बजाज नगर पुलिस स्टेशन मध्ये 239/20 एक IT ऍक्ट अंडर गुन्हा दाखल आहे, ज्यामध्ये फिर्यादी यांची मालकीची एक कंपनी आहे। त्या कंपनीच्या नावाने बनावट वेबसाईट करून तयार करून ती वेबसाईट इंडिया मार्टवर रजिस्टर्ड करून काही व्हेरियस प्रॉडक्ट्स ते विक्री त्यांच्याकडे अवेलेबल आहेत अशा पद्धतीची ॲडव्हर्टाईज केलेली होती। परंतु फिर्यादींच्या तक्रारीनुसार त्यांनी अशी कोणत्याही प्रकारची वेबसाईट त्यांच्या कंपनीची नाही आहे, यावरून त्यांनी अशी फेक वेबसाईट केल्याबद्दलची गुन्हा दाखल केला, तक्रार दिली। त्या तक्रारीच्या अनुषंगाने आम्ही तांत्रिक विश्लेषणाच्या आधारे जेव्हा तांत्रिक माहिती प्राप्त केली, त्यावरून असं निदर्शनास आलं की ही जी वेबसाईट आहे ही दिल्लीतील काही व्यक्तींनी बनवलेली आहे। त्याच्या आणखी सखोल तपास केला असता असं लक्षात आलं की याच्यामध्ये कॅमरून देशाचे नागरिक आहेत 3, ते इन्वॉल्व होते। त्या तिघांनाही आम्ही दिल्लीतून ताब्यात घेऊन अटक केलेली आहे। त्यांच्याकडे आम्ही कोर्टासमोर हजर केला असता त्यांना 25 तारखेपर्यंत PCR आहे। अधिक तपास आम्ही करत आहोत। त्याच्यातून हे निष्पन्न झालेलं आहे की त्यांनी ही वेबसाईट तयार केली आहे आणि लोकांना फसवणूक करण्याच्या उद्देशाने त्यांनी हे कृत्य केलेलं आहे। सध्या तरी आमच्याकडे जी माहिती प्राप्त आहे ते दिल्लीतील मेहरोली या एरियातून त्यांना आम्ही ताब्यात घेतलेलं आहे। त्यांचं ऑफिस वगैरे असल्याची काही माहिती प्राप्त नाही, परंतु हे या संपूर्ण गुन्ह्यामध्ये या 3 लोकांचा सहभाग सध्या आहे असं निदर्शनास येत आहे आणि त्यांच्यातला जो मुख्य आरोपी आहे त्यालाही आम्ही ताब्यात घेतलेला आहे। यात आणखी तपास सुरू आहे, जर आणखी काही लोकांचा त्याच्यात इन्व्हॉल्वमेंट असेल तर त्याप्रमाणे पुढील कारवाई करण्यात येईल। यांच्याकडून टेक्निकल काही मोबाईल फोन्स आणि ज्या राऊटरच्या सहाय्याने ते नेटचा वापर करत होते, राऊटर आणि 2 लॅपटॉप अशा वस्तू सध्या आम्ही ताब्यात घेतलेल्या आहेत। त्यातील उपयुक्त माहितीची पडताळणी करून मग त्या वस्तू जप्त करण्यात येईल। शटलर्स क्रेज स्पोर्ट्स अकॅडमी द्वारा बॅडमिंटन टूर्नामेंट का आयोजन किया गया था, जिसमें श्रेयांश नायडू ने अंडर 11 वर्ग में अजान अली को हराया और अपनी जीत पक्की की। श्रेयांश ने बड़ी कुशलता से खेलकर जीत का ताज अपने सर सजाया। राष्ट्रसंत तुकड़ोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय के शारीरिक शिक्षा विभाग के निदेशक डॉक्टर शरद सूर्यवंशी ने चारों ग्रुप के विजेता और उपविजेता बैडमिंटन खिलाड़ियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। नागपुर में शटलर्स क्रेज स्पोर्ट्स अकेडमी द्वारा बैडमिंटन टूर्नामेंट का आयोजन किया गया था। इस टूर्नामेंट में कई खिलाड़ियों ने सहभाग भी लिया, जिसमें डायलन मार्शल और श्रावणी सूर्यवंशी ने अंडर 23 वर्ग जीता और अचिंत्य सिसोदिया और श्रृंजल सिंह ने अंडर 17 वर्ग जीता। कोराडी नाका स्थित शटलर्स क्रेज स्पोर्ट अकेडमी में आयोजित इवेंट में डायलन मार्शल ने मयंक अहलानी को हराया और श्रावणी सूर्यवंशी ने अंडर 23 लड़कों के वर्ग में वैष्णवी चौधरी को हराया। लड़कों के अंडर 17 में अचिंत्य सिसोदिया ने अनुराग वाकोडीकर को और श्रृंजल सिंह अवनी लांडगे को हराकर खिताब जीता। लड़कों के अंडर 13 वर्ग में कार्तिक व्यास ने शायन जैन को कड़ी टक्कर में और लड़कियों के वर्ग में परमी हजारे ने अनन्या घाटे को हराया। श्रेयांश नायडू ने 11 साल से कम उम्र के लड़कों में आजान अली को और लड़कियों में गौतमी
चौधरी ने नरमई कुटुककर को हराया। राष्ट्रसंत तुकड़ोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय के शारीरिक शिक्षा विभाग के निदेशक डॉक्टर शरद सूर्यवंशी ने चारों ग्रुप के विजेता और उपविजेता बैडमिंटन खिलाड़ियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर सीएस चौधरी, कृष्णराव खेड़ीकर एवं शटलर्स क्रीज स्पोर्ट्स अकेडमी के प्रमुख एवं बैडमिंटन कोच खेतक खड़ीकर उपस्थित थे। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। लव यू दीपिका, बाय। सब जानना चाहते हैं, मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 1 degree 3 job opportunities। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी गिव्स यू अ डिग्री और डिप्लोमा विद अ जॉब। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 365 गांधीनगर, LAD कॉलेज स्क्वायर, बिसाइड कर्नाटक बैंक, नागपुर। बॉस ने मीटिंग बुलाई। बाहर बाहर उठो बैठो। तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार, कॉल और विजिट करें www.pilesfistulacure.com। नागपुर इज फेमस फॉर संतरे, टाइगर, जीरो माइल और सावजी खाना, और सावजी खाने को उसका असली स्वाद देते हैं सावजी मसाले, जिससे बनता है ऑथेंटिक सावजी खाना। मसालों में मसाले, अहिरकर ग्रुप के सावजी मसाले। सभी का स्वागत। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के मुखिया राज ठाकरे ने नुपुर शर्मा का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि सभी ने नुपुर शर्मा से माफी मांगी, लेकिन मैंने उनका समर्थन किया। राज ठाकरे ने कहा कि नुपुर शर्मा ने जो कहा कि वह डॉक्टर जाकिर नाइक पहले ही कह चुके हैं, लेकिन उन्होंने किसी से माफी की मांग नहीं की। ठाकरे ने कहा कि ओवैसी बंधु हमारे देवताओं और देवियों को मनहूस कहते हैं। राज्य की राजनीतिक हालात पर बात करते हुए मनसे चीफ ने शिवसेना प्रमुख और राज्य के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे द्वारा बीजेपी और शिवसेना के गठबंधन की स्थिति में ढाई ढाई साल सीएम रहने के दावे पर उन्हें कटघरे में खड़ा किया। मनसे चीफ ने कहा कि जब मैं शिवसेना में था तब बाला साहब ने फैसला किया था कि जिस पार्टी के पास सबसे ज्यादा विधायक होंगे उसका सीएम होगा। जिन चीजों पर पहले ही फैसला हो चुका है उसे आप कैसे बदल सकते हैं, वह भी बंद कमरे में। ठाकरे ने कहा, चुनाव प्रचार के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने कहा था कि देवेंद्र फडणवीस ही सीएम होंगे, तब आपने आपत्ति क्यों नहीं जताई? कुठली शस्त्रक्रिया? खरं तर मला त्याच्या अगोदर मला एक छोटा कट देऊन त्यांनी ते तिथे काहीतरी हाडामध्ये काहीतरी इंजेक्ट करतात, त्या पंक्चर करतात आणि मग तो काहीतरी ब्लड फ्लो सुरू होतो वगैरे वगैरे ते केलं होतं बरोबर। त्याच्यानंतर माझी फिजिओ सुरू झाली, त्याच्यानंतर माझा पाय दुखायचा बंद झाला, सगळं व्यवस्थित झालं आणि बरोबर वर्षभरानंतर परत मला दुखायला लागलं, परत मला चालायला त्रास व्हायला लागला। म्हणून मी डॉक्टरला विचारलं, म्हटलं काय, म्हटलं परत दुखणं सुरू झालं, मला वाटलं सगळं व्यवस्थित झालं होतं, खरं तर काही प्रॉब्लेम असेल तर तो पहिल्या 4-5 महिने व्हायला पाहिजे होता, नाहीतर आता वर्षभरानंतर होत नाही। मग मला त्यांनी विचारलं कोविड झाला होता का, हो। मला असं वाटतं की काही गोष्टी ह्या तुमच्याकडनं लोकांपर्यंत गेल्या पाहिजे,
कसं होत आहे की आपल्याला थांबवण्यासाठी आपल्याला रोखण्यासाठी अनेक माध्यम अनेक राजकीय पक्ष हा जाणून बुजून काही गोष्टींचे प्रचार करतात करत आले आतापर्यंत आणि त्यावेळेला तुम्ही खरं तर सक्षम आहात तुम्हाला कान आहे डोळे आहेत मेंदू आहे सगळ्या गोष्टी आहेत पण तिकडे जी उत्तरं द्यायला लागतात त्या उत्तरामध्ये तुम्ही कधीतरी मला भांबावलेली दिसता आणि त्यांनी गेल्या काही वर्षांमध्ये काही प्रचार केला आपल्याबद्दलचा की राज ठाकरे आणि त्यांचा महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना हा पक्ष म्हणे आंदोलन अर्धवट सोडतो एक आंदोलन दाखवायचं एक आंदोलन जे आपण अर्धवट सोडतो टोलचं केलेलं आंदोलन आपण जवळपास 65 ते 67 टोल नाके महाराष्ट्रातले बंद केले आपण आणि ज्या शिवसेना भारतीय जनता पक्ष यांच्या जाहीरनाम्यामध्ये दिलं होतं ते आम्ही टोलमुक्त महाराष्ट्र करू त्यांना ह्यांच्यापैकी कोणी जाऊन एक प्रश्न विचारत नाही की तुम्ही टोलमुक्त महाराष्ट्र म्हणाला होता तुम्ही इतकी वर्ष सत्तेमध्ये होता काय झालं त्या टोलमुक्त महाराष्ट्राचं त्यांना कोणी प्रश्न विचारणार नाही तुमच्याबद्दल खोटा प्रचार करणार जरीपटका पोलीस थाना अंतर्गत पुलिस को मिली गुप्त जानकारी के अनुसार दो आरोपी जरीपटका इलाके के इंदौरा मैदान बस स्टॉप के पास अवैध तरीके से पिस्तौल बेच रहे थे। इस जानकारी के आधार पर पुलिस ने इस मामले के चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और उनके कब्जे से कुल 5 पिस्तौल एक नकली पिस्तौल का मुद्देमाल जब्त कर लिया है और आगे की जाँच पुलिस द्वारा की जा रही है। दिनांक 14/8/2022 रोजी गोपनीय बातमीदारा तरफे माहिती मिळाली की 2 इसम हे इंदौरा परिसरामध्ये पिस्तौल विकण्याकरता आलेले आहेत। त्यावरून सदर ठिकाणी सापळा रचून पंचासमक्ष दोन्ही इसमांना ताब्यात घेतले। दोन्ही इसमाकडून 5 जिवंत काढतूस व 1 बनावट पिस्तल मिळून आलं ते पंचासमक्ष जप्त करण्यात आलं। त्यांचे नाव आहेत अंकित सुनील बाल्मिक वय 22 वर्ष राहणार इंदोरा व दुसरा आहे यश संजय मेश्राम वय 23 वर्ष राहणार न्यू इंदोरा। दोन्ही आरोपी रेकॉर्डवरील असल्याने त्यांना ताब्यात घेऊन त्यांच्यावर पोलिसांनी जरीपटका येथे कलम 325 RMA गुन्हा दाखल केला। सदर गुन्ह्यातील दोन्ही आरोपींना पीसीआरवर घेतल्यानंतर त्यांनी एक पिस्तौल हे 3 ते 4 महिन्यापूर्वी एक सूरज ठाकरे नावाच्या इसमाला विकल्याचे सांगितले। त्यावरून सदर इसमाचा शोध घेऊन त्यास चंद्रपूर जिल्हा मध्यवर्ती कारागृह येथून प्रोडक्शन वॉरंटवर ताब्यात घेऊन सदर इसमाकडून 1 पिस्तौल व 5 राऊंड व 1 खाली मॅग्झिन हा जप्त करण्यात आलेला आहे। सदर गुन्ह्यामध्ये एकूण 4 आरोपी आहेत। 4 आरोपींना अटक करण्यात आलेली असून सध्या ते न्यायालयीन कोठडीत आहेत। अंकित सुनील बाल्मिक वय 22 वर्ष राहणार इंदोरा, यश संजय मेश्राम वय 23 वर्ष राहणार इंदोरा, सूरज अरविंद ठाकरे राहणार खरबी वाठोडा, सुमित वासुदेव फुलजले राहणार दिघोरी नागपूर हे 4 आरोपी असून 4 आरोपीवर वेगवेगळ्या प्रकारचे गुन्हे दाखल आहेत। नागपूर के RPF थाना अंतर्गत एक जहरखुरानी आरोपी ट्रेन में यात्रा कर रहा था, ऐसी गुप्त जानकारी RPF त्रिवेंद्रवरम से नागपुर में दी गई। इस मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की जांच जारी है। RPF त्रिवेंद्रवरम से व्हाट्सएप पर एक CCTV फुटेज का फोटो वीडियो एवं उनके पास पंजीकृत अपराध की प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति भेजकर बताया गया कि ट्रेन को नागपुर रेलवे स्टेशन पर चेक करके आरोपी को पकड़वाने में मदद। सूचना के अनुसार वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त श्री आशुतोष पांडे के निर्देशानुसार निरीक्षक RPF थाना नागपुर निरीक्षक अखुशा नागपुर के निर्देशन में एक टीम गठित करके उक्त गाड़ी को नागपुर स्टेशन पर चेक करने पर जनरल कोच में से संदिग्ध को उतार कर RPF थाना नागपुर में लेकर आए, जिससे पूछताछ करने पर उसने अपना नाम चुमन कुमार शाह बताया। आरोपी से पूछताछ करने के दौरान अपने अन्य साथीदार के साथ अलग अलग समय में अलग अलग ट्रेन में कई बार जहराखुरानी की घटनाएं एवं लूट की घटना में शामिल होना पाया गया। इस मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की जांच की जा रही है। VKB न्यूज के लिए कैमरा पर्सन रोशन बोकड़े के साथ वैदेही चौहान की रिपोर्ट। तो VKB न्यूज की प्राइम टाइम में इतना ही, कल फिर मिलेंगे अन्य नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए VKB न्यूज। नमस्कार।